हेलो, मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरा नाम नेहा खत्री है। मैं स्टेट एमपी मध्य प्रदेश सिटी ग्वालियर की रहने वाली लड़की हूँ। मैं इस टाइम सुरनकोट में खड़ी हूँ, सुरनकोट सिटी में, और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी मदद के लिए मैं भीख मांग रही हूँ कि कोई है जो मेरी मदद करे। मैं जयपुर काम करने गई थी इवेंट का, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मुझे हिंदू का नाम बताकर अपने प्यार के झांसे में फंसाया, मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ रहा। उसने मेरे को शादी करी, बाद में मुझे अपने घर लाया। वो उसका असली नाम है शौकत अली खान, उसके बाप का नाम है मुमताज अली खान, उसकी माँ का नाम है जान बेगम खान, उसकी बहन का नाम है जरीना, उसके जीजा का नाम है मोटा, उसकी भांजी का नाम है नौशीन और दूसरी भांजी का नाम है जायदा, और भी इसके फैमिली मेंबर है, जिसने मुझे 6 महीने पहले झूठ बोल के मुझे अपना धर्म चेंज करवा के हिंदू से मुझे मुस्लिम बनाया, मुझसे शादी करी, मेरे से पैसा लूटा और 6 महीने से मुझे अपने घर में गांव में रख के मुझे टॉर्चर कर रहा है, अपनी फैमिली मेंबर से पिटवा रहा है। कल मेरे पति शौकत अली खान ने अपनी बहन जरीना से, जीजा मोटा से, भांजी नौशीन, जायदा, पूरे फैमिली मेंबर, बाप मुमताज अली खान से पिटवाया और जान से मारने की कोशिश करी। जान से मार के इन लोगों ने मुझे घर से भगा दिया और अब ये लोग बोलते हैं तू यहाँ से निकल जा। और मैं यहाँ पे सुरनकोट में खड़ी हूँ, यहाँ तक कि पुलिस भी मेरी मदद नहीं करी। देखिए मेरा जिस्म, इन लोगों ने मेरे जिस्म में कितने घाव दिए। यदि मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार शौकत अली खान, इसका बाप मुमताज अली खान, इसकी माँ जान बेगम खान, इसकी बहन जरीना, कोलो, प्रीति, जायदा, भांजी, नौशीन, सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए मेरे जिस्म की हालत, देखिए इन लोगों ने कल मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए ये देखिए, कुल्हाड़ी से इन लोगों ने मेरा गला काटने की कोशिश करी। देखिए मेरे हाथ पे निशान, ये देखिए और मेरे जिस्म पे इतने निशान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्लीज कोई है जो मेरी मदद करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो कि मुझे इंसाफ मिले, पुलिस मेरी मदद करे। प्लीज हेल्प।